HM पब्लिक स्कूल लोअर चुटिया नियर शिव मंदिर रांची, हम बनाते हैं बेहतर भविष्य। नौ निहालों को शिक्षा की राह दिखाते हैं हम। HM प्ले स्कूल रोड नंबर 13 द्वारिकापुरी लोअर चुटिया रांची। धनबाद जिले के कुमार दुबी रेलवे स्टेशन पर फ्रंट कॉरिडोर निर्माण किए जाने को लेकर पूर्व रेलवे आसनसोल डिवीजन द्वारा कुमार दुबी रेलवे स्टेशन के समीप नया नगर के 29 लोगों के घरों पर बुलडोजर का पंजा चला। दर्जनों लोग बेघर हो गए और खुले आसमान के नीचे आ गए। वर्षों से रह रहे उनके आसियाना रेलवे के बुलडोजर के ध्वस्त हो गया। कल हमारा परिवार बेहोश होकर गिर गई थी। गिर गई थी, आखिर क्या कारण था बेहोश होने का? घर टूट रहा था। घर टूट रहा था। अभी फिलहाल रात कैसे गुजारा? बाहर नेता पुलिस लोग बोला कि 3 महीना बाद टूटेगा, अचानक टूट गया, इसको जिम्मेदारी, गरीब आदमी लोग कहाँ जाएगा? घर टूट गया है, बहुत गरीब आदमी है, स्कूल में रहा। स्कूल में अभी जो ईटा निकाल रहा है, अभी कहाँ जा रहा है? ईटा निकाल दे रहे हैं, कुछ बेचेंगे आपको। ये कुछ दिन पहले अरूप चटर्जी भी आए और सबको आश्वासन दिए किया ना, तो 380 फीट ना तोड़ के 150 फीट तोड़ा जाएगा, इसका मतलब 45 मीटर। लेकिन यहाँ हुआ क्या कि डीएमआर आके और 380 फीट ले लिया, जबकि आश्वासन तो नहीं देना चाहिए इंसान को कि हाँ 380 फीट नहीं तोड़ के 150 फीट तोड़ा जाएगा, ऐसा भी नहीं बोलना चाहिए। बहुत सारे नेते पर नेते आए, यहाँ तक कि संसद भी आया, सब बोला गया कि ना तो 150 फीट ही तोड़ा जाएगा, ऐसा नहीं होके 380 फीट तोड़ा गया। कौन आया? कल तो नेता भी नहीं आया, पर नेता भी नहीं आया, सब बोला कि सबसे पहले मेरे पे बुलडोजर चलेगा तब आगे चलेगा, लेकिन आज कोई नेता, कोई पर नेता, कोई मुखिया, ना कोई वार्ड, ना कोई संसद, कोई नहीं आया। कल कौन वोट देगा, कौन नेता बनाएगा, कौन चयन करेगा, कोई बता? गरीब आदमी कितना दुख दे दिया है, अब बोले नहीं मुखिया पंचायत की हम देंगे, ये जगह देंगे, वो जगह देंगे, अभी तो कुछ नहीं देखने भी नहीं आ रहा कि मर रहा है कि बच रहा है। जो भाड़ा घर भी तो नहीं मिल रहा हम लोग को, तो रात कैसे गुजरा? रात हम लोग यहीं पर सो के थे। कॉरिडोर बन रहा है, इससे पहले भी जो शिवलीबाड़ी का बगल में जो भी रेलवे बगल साइड में जो भी बसे हुए हैं उन लोग का भी बात आया था, तो हमने तुरंत हम और माननीय सांसद जी दोनों मिल के उधर गए थे, और उसके बाद फिर आसनसोल हम खुद गए थे, DRM साहब से मीटिंग किए, और हमारे मंडल अध्यक्ष माननीय रंजीत मोदी जी और तमाम हमारे जितने भी भारतीय जनता पार्टी का वहाँ नेतृत्व तो हैं, हमारे कार्यकर्ता, हम लोग सब मिल के वहाँ DRM साहब से आसनसोल में बात किए, और चूँकि उनका कहना था ठीक है, मानवता के नाते हम लोग जरूर हो जितना होगा सेव करने का काम करेंगे, और सेव किए भी हैं। हाँ, इसके लिए अभी कुछ जो आए थे लोग, ये लोग बताएं कि वहाँ एक सरकारी जगह भी है, सरकारी स्कूल है, सरकारी स्कूल में उसको भी नोटिस दे दिया है हटने के लिए, तो सरकारी स्कूल को आप कैसे हटा सकते हैं? सरकारी जगह को आप तो रेलवे का जगह नहीं है, आप कैसे ले सकते हैं? तो ये सब पर भी हम लोग बात करेंगे, और साथ ही साथ हम लोग जिला प्रशासन DC साहब को भी लिखेंगे, CO DC साहब को भी लिखेंगे, और आप कैसे हटाइएगा? हटाने से पहले उनको बसाना पड़ेगा, बसाने का पहले आप व्यवस्था कीजिए, तभी आप हटा सकते हैं वहां से। स्टेट गवर्नमेंट को इसकी जिम्मेवारी लेनी चाहिए, जो भी घर उजड़ रहा है, कम से कम वो लोगों को उस इलाके में काफी सरकारी जमीन भी है, ओवरडंगाल अगर जाएंगे तो काफी सरकारी जमीन है, कुछ लोग फर्जी पेपर बना के उसमें हड़पने की काम कर रहे हैं, तो ऐसे जगहों पर हम लोग तमाम लोगों को, पूरी बस्ती को, चाहे कालीमंडा, सिलिका, नया नगर, जिसकी भी घर टूट रही है, सभी को हम लोग बैठा सके। मिनी लंदन मैकलुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार, आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना,
जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।